हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं वही पुराना आपका जेके राय, आज आपको अंक ज्योतिष के माध्यम से जिन लोगों की माह अप्रैल में दिनांक 6, 15 और 24 की जन्मतिथियाँ हैं, अर्थात जिन लोगों का जन्म 6 अप्रैल 15 अप्रैल और 24 अप्रैल को हुआ है, साथियों उनके विषय में आपको आवश्यक बताने जा रहा हूँ। आपकी प्रकृति क्या होगी, आपका स्वभाव क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, और आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्या करने से आपका भाग्य में प्रभाव वृद्धि होगी, इसके विषय में आपको आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आई घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, मैंने जो वीडियो आपको जितनी बातें बता रहा हूं, मैं इस सब पुस्तकों के अध्ययन और उससे ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको बातें बताता हूं, जिससे आपका भला हो, जिससे आपका कल्याण हो। मैं आपको कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जिससे कि आप सिर्फ हमें पॉपुलरिटी मिले, आपको कोई भला ना हो, ऐसा मेरा विचार कभी नहीं रहता है। इसलिए आपको मैं पढ़ने के बाद जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हीं के विषय में आपको बताता हूं। तो साथियों, जिन लोगों का जन्म अप्रैल में 6, 15, 24 को हुआ है, उनका मूलांक होगा 6। साथियों, यह बहुत ही अच्छा संयोग है जो अप्रैल में जन्म लेने का 6 मूलांक हो रहा है। साथियों, इन तिथियों में जन्म लेने के कारण आपके जो प्रभावकारी ग्रह हैं, जो आपको जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य इत्यादि प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य इत्यादि प्रदान करेंगे, वह ग्रह आपके जो कारक हैं वह मंगल और शुक्र हैं। साथियों, इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में गजब का सम्मिश्रण होगा। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर अत्यंत उत्साह होगा और शक्ति होगी, पराक्रम होगा, तथा शुक्र चूंकि एक सौम्य ग्रह है और मंगल उग्र ग्रह है, इसलिए मंगल के उग्र ग्रह की वजह से आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ की भावना विकसित रहेगी। और शुक्र चूंकि एक मृदुभाषी ग्रह है, जो पति पत्नी के कारक होते हैं और ऐश्वर्य भोग विलास इत्यादि के प्रदाता होते हैं, इसलिए शुक्र के प्रभाव के कारण आपका स्वभाव उदार होगा और आप स्वभाव से ही क्या कहते हैं कि उदार विचार वाले होंगे, लोगों के साथ मिलजुल वाले होंगे, अच्छे हृदय वाले होंगे। लेकिन आपके अंदर एक अवगुण क्या होगा कि आप दिखावे वाले काम ज़्यादा पसंद करना चाहेंगे, जैसे कि आप लोगों का आकर्षण आपके प्रति विशेष बना रहे। लेकिन इसके साथ साथ शुक्र के प्रभाव की वजह से, जो शुक्र भी आपके प्रभावकारी हैं, तो इसकी वजह से आप के जो विचार होंगे अथवा जो विपरीत लिंगी की जो होंगे, अर्थात यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, इनका विपरीत लिंगियों के प्रति प्रभाव आकर्षण आपके प्रति ज़्यादा रहेगा। आप समाज में लोकप्रिय होंगे और आपकी ख्याति रहेगी, और इन्हीं गुणों के कारण आप बहुत से लोगों को अपना मित्र बना लेंगे, सहयोग प्रदान करने में आप उत्सुक रहेंगे, आप बहुत ही उदार हृदय के होंगे और दूसरों के द्वारा सहायता मांगने पर आप तुरंत उनको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इस तरह से आप दूसरों की सहायता करने में, दूसरों की पुकार करने में आपके अंदर कमी क्या होगी कि आप अपना धन अपने ऊपर और जो आपके लिए पुकारेंगे कि मेरी सहायता करिए उनके ऊपर आप बेतहाशा खर्च करना शुरू कर देंगे। चूँकि आपके पास धन का आगमन अच्छा रहेगा, इसलिए आप उसको खर्च भी करेंगे। इसकी वजह से पास पड़ोस में, परिवार में और आपके जो भी जिस इलाके में रहते होंगे, इसकी वजह से आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण, जैसे कि मैंने बताया, शुक्र विलासिता के स्वामी होते हैं, आमोद प्रमोद के शौकीन होते हैं, तो वाहन इत्यादि के कारक भी होते हैं, तो शुक्र के प्रभाव के कारण आप जो ऐश्वर्य के वस्तुएं हैं
भोग विलास की वस्तुएं हैं, विलासता की वस्तुएं हैं, उन पर भी आप आवश्यकता से ज़्यादा खर्च करेंगे। और साथियों, धन और मित्र ये दोनों आपके लिए विशेष सहायक होंगे। आप धन भी कमाएंगे और मित्रता भी आपके पास रहेगी। लेकिन आप इतनी उदारता बरतेंगे कि धन लास्ट में आपका ख़त्म भी हो सकता है, आपका समाप्त भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको विराम देते हुए थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोगों की सहायता करिए, धन खर्च करिए, लेकिन अपने लिए वृद्धावस्था में बचा करके खर्च करें। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि आप अपने जो पार्टनर के साथ आप संयुक्त खाता बैंक में रखें, जिससे दोनों के विचार विमर्श से, आपस में विचारों के आदान प्रदान से ही आप कहीं व्यय करें। अन्यथा यदि आप अकेले जो है आप ऑपरेट करेंगे खाते, धन खर्च करेंगे, तो अंत में क्या होगा कि वृद्धावस्था में आपको धन की कमी होने लगेगी। इसलिए आपको यह पुनः सुझाव देता हूं कि आपके पास जो भी धन है उनको अपने पार्टनर के साथ संयुक्त खाता में रखें और दोनों मिलजुल कर खर्च करें, जिससे आपके धन में खर्च करने में अंकुश लगे। साथियों, जहाँ तक विवाह की बात है तो शुक्र के वजह से, शुक्र ग्रह के प्रभाव की वजह से आपकी विवाह छोटी उम्र में ही होने की विशेष संभावना रहेगी। लेकिन उस विवाह से बाद में आप उकता जाएंगे और वह विवाह से आपको सुखदायी नहीं होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप विवाह कुछ समय बिता करके एक परिपक्व अवस्था होने के बाद ही विवाह करें। उस विवाह से आपको सुख और संपन्नता प्राप्त होगी और आपको उस विवाह सुखदायी होगा। अन्यथा छोटी उम्र में विवाह करने पर आपको बड़ी उम्र में दूसरा भी विवाह करना पड़ सकता है। इसलिए इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथियों, आपके जो मैंने बताया कि शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपके अगर मंगल ग्रह का प्रभाव के ऊपर ज़्यादा होगा तो आप ज़मीन जायदाद इत्यादि के विषय में इन्वेस्ट करेंगे, उनमें रुचि लेंगे, घर बनाने में, घर बेचने में, इन चीज़ों में भी आप रुचि लेंगे। लेकिन यदि आपके जो सामान्य जो है ज्योतिष के हिसाब से कुंडली अगर जैसे बनती है उसमें अगर शुक्र ग्रह की प्रधानता रहेगी तो आप साहित्यकारी, संगीत, नाटक इत्यादि इन चीज़ों में, कला के क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। आपको जो चलचित्र के जो कारोबार हैं, सिनेमा है, इन इत्यादि में नाटक मंडली है, इन चीज़ों में भी आपको कार्य करने से विशेष धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो साथियों, इसके साथ साथ आप घूमने फिरने के भी शौकीन होंगे और जिस जगह पर आप निवास करते हैं उससे दूर स्थानों पर अथवा दूर देशों में जो आपके संपर्की होंगे, जिनको आप जानते होंगे अथवा जिनके विषय में आपको जानकारी होगी, उनके पहनावे, उनके रीति रिवाजों, उनके जो खान पान का जो व्यवहार है, इन चीज़ों को अपनाने की विशेष आपके अंदर रुचि रहेगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में बताया कि आर्थिक दशा में आप भाग्यशाली रहेंगे कि आपके पास धन की प्रचुर मात्रा रहेगी, वो आप उसको खर्च करेंगे। लेकिन जीवन के प्रारंभिक वर्षों में तो आपके पास धन रहेगा, जिसे मैंने पुनः आपको बताया कि आप संचित धन को अगर दोनों हाथों से लुटाएंगे तो वृद्धावस्था में धन की कमी आपके पास हो जाएगी। इसलिए आप धन सोच समझ कर खरें। और जैसे मैंने बताया कि आप मंगल और शुक्र दो ग्रहों के प्रभाव में से प्रभावित रहेंगे आप, इसके कारण आपका जो शरीर होगा, स्वास्थ्य होगा, वह अत्यंत उत्तम रहेगा। आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सुगठित रहेगा। यदि आपके कोई आकस्मिक कोई बीमारी हो जाती है तो उस अपने जो आपके इच्छा शक्ति है उसके बलबूते आप उस बीमारी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, उस बीमारी पर जल्दी काबू कर लेंगे। क्योंकि मन मजबूत तो सब मजबूत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
तो मंगल और शुक्र के प्रभाव से आपका मन मस्तिष्क मजबूत रहेगा, जिसकी वजह से आप बीमारियों से, बाधाओं से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन साथियों, जीवन में किसी के कभी न सुख होता है न कभी दुख होता है, और चिरस्थाई कुछ नहीं होता है। इसलिए सबको कोई न कोई बीमारी भी होती रहती है। तो जैसे मैंने आज जिक्र किया कि जिन लोगों की माह अप्रैल में 6, 15 और 24 तारीखें हैं, उनको क्या रोग हो सकते हैं, इसके विषय में भी आप जान लें। तो साथियों, आपको जो गला आपका है, आपकी नाक है और कान में, इसमें कमज़ोरी हो सकती है, कोई बीमारी भी हो सकती है, और आपको सिरदर्द हो सकता है, और चेहरे की बीमारियों से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। अर्थात जो आपका जो फेस है, इसमें आपको समस्याएं समय पर हो सकती हैं। तो साथियों, बीमारी सबको होती है, बस आवश्यकता है कि उस इच्छा शक्ति से और दृढ़ इच्छा शक्ति से उस बीमारी पर काबू पा लिया जाए और उसको पार लिया जाए। तो यदि आप ऐसी कोई बीमारियां होती हैं तो आपको शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और चूँकि मंगल भी रोग के कारक होते हैं, इसलिए आपको उस जब आप कोई इस तरह कोई बीमारी हो तो आप हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। चोला अर्थात चमेली और देसी घी मिला करके उन पर लेप किया जाता है, उसको चोला कहते हैं। और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करने से आपको इन बीमारियों से मुक्ति जल्दी से मिलने की संभावना बनेगी। अब साथियों, आपको कौन कौन सी तारीखें शुभ रहेंगी इनको आप जान लें। तो आपके लिए 1 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख और 30 तारीख हैं, ये शुभ रहेंगी। एक बार पुनः सुन लें, किसी भी महीने की 1, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीखें शुभ रहेंगी। और इन्हीं तारीखों में जो लोग पैदा हुए होंगे उनसे आपकी अच्छी दोस्ती रहेगी, उनसे आपके संबंध अच्छे बनेंगे। आपके जीवन में जिन तारीखों का जो अंक मूलांक 6, 3 और 9 होगा, यह मूलांक वाली तिथियाँ आपको प्रभावित करेंगी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी इन्हीं तिथियों में महसूस होंगे और इन्हीं तिथियों में पैदा हुए लोगों से आपका लगाव होगा, जो आपके लिए विशेष सफलतादायक भी होंगे। अब साथियों, आपको अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नीला और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और आपको इसी तरह के नग पहनने चाहिए। आप इसी रंग के आपको वाहन प्रयोग करने चाहिए। अब चूँकि शुक्र का एक नग फिरोजा भी होता है जो नीले रंग का होता है, और मंगल का जो नग होता है वो मूंगा होता है जो लाल रंग का होता है, इसको आप इस तरह के कपड़े पहने और यह नग पहनेंगे तो आपको जीवन में विशेष सफलता प्राप्त होती रहेगी। आप परेशानियों से बचते रहेंगे, आपका समाज में सम्मान और यश बढ़ता रहेगा। तो साथियों, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी दिन अगर आपने उस रंग के कपड़े नहीं पहने तो उस रंग की हैंकी आपको जेब में रखनी चाहिए, और उस कहीं आप जाते हैं तो उसी हैंकी से आप अपना चेहरा पोछें ताकि लोगों को उस पर दृष्टि पड़े और आपका कल्याण हो। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।